हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमी झारखंडी और हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम ब्लॉग पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि मेरे साथ आज कौन है जो कि हमारे झारखंड के टेक चैनल के सबसे बड़े चैनल किनका उनको आप लोग तो मालूम होगा, मनोज दे, उनका गुरुजी यानी कि हमारे भी गुरुजी है। मैं इनका बहुत सारा वीडियो देखता हूँ और इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सो हमारे बीच में आज कौन है, चलिए आपको परिचय में दिलवा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं माई स्मार्ट सपोर्ट नाम का यूट्यूब चैनल चलाता हूँ बहुत पहले से, और एक तरह से कहिए कि सबसे पुराना यूट्यूबर हूँ। और सुमित जी हमसे मिलने आए हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगा, हमसे मिलने आए हैं झारखंड से, धनबाद से आए हैं, और इन्होंने कहा कि कुछ आपसे हम इंटरव्यू करेंगे, छोटा सा कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपने सवाल पूछिए, हम उसका बेहतर से बेहतर जवाब जो है वो देने की कोशिश करेंगे। सुमित, सो फ्रेंड्स, कुछ काम से मुझे आना हुआ था, जैसे कि मालूम है कि मैं अभी बिहार टूर में निकला हूँ, कुछ दिन के लिए मैं बिहार में रहूँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कि औरंगाबाद में जब आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा नाम है इनका इधर टेक रिलेटेड चैनल जो कि इनका है माई स्मार्ट सपोर्ट। तो मैंने चाहा कि धर्मेंद्र सर से एक छोटा मोटा इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि मैं इंटरव्यू तो बहुत सारा ले चुका हूँ बड़े बड़े स्टार लोगों का, ही तो जरूरी होता है कि आप लोगों को कुछ मोटिवेट भी करने का। सो आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेट होने को मिलेगा। मैं कुछ ऐसा सा क्वेश्चन जो पूछने वाला हूँ जो अभी तक किसी ने इंटरव्यू में नहीं पूछा होगा सर का। सो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो फ्रेंड, मतलब धर्मेंद्र सर जी, आपका कहाँ से ख्याल आया कि आपको यूट्यूब पे, या तो इंस्पायर कहाँ से हुआ कि आपको काम करना है यूट्यूब पर? सुमित बाबू, ऐसा है कि हम कभी सोचे नहीं थे कि यूट्यूबर बनना है हमको। जैसे आजकल के लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि नहीं यूट्यूबर ही बनना है, बट हम शुरुआत किए थे आज से 8-9 साल पहले 2012 में। उस समय कोई ऐसा यूट्यूबर का क्रेज नहीं था उस समय, और इसको बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब उससे पैसे ही मिलते हैं। बट मुझे, मैं एक साइबर कैफे में उस समय काम कर रहा था, वहाँ पर एक बंदे ने बताया मुझे कि आप अपलोड कीजिए वीडियो, उससे पैसे मिलते हैं। तो मैंने वो किया, एक साल तक छोड़ दिया, बट कुछ व्यूज़ नहीं आए थे। बट एक साल के बाद देखा कि उसमें कुछ व्यूज़ थे, कुछ पैसे हो गए थे, उसमें डायरेक्ट मोनेटाइजेशन था। तो वहाँ से पैसे मिलना है तो बड़ा ट्रस्ट हुआ कि हाँ, ऑनलाइन भी पैसे कमाए जा सकते हैं, या आश्चर्य हुआ। तो मैं उसमें से अपना जर्नी स्टार्ट किया और ऐसे लोगों को बताते कि अपने चैनल पर, मेरा बेसिकली चैनल वही है कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं आप। अच्छा, सो आप काम करते करते मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने लगा पब्लिक का इस तरह? हाँ हाँ सुमित, तो जब मैं, मुझे खुद प्रूफ हुआ कि हाँ, इससे पैसे मुझे मिल गए, तो मैंने देखा कि जो हमारे गांव के अगल बगल के बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, वो लोग दिल्ली बम्बई जाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो क्यों नहीं उनको बताया जाए इस चीज़ के बारे में कि हाँ, आप भी, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो भी आप जानते हैं उस चीज़ को लेकर आप उस पर काम करेंगे तो आप उससे अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो आप जो शुरुआती तौर पर जैसे काम कर रहे हैं, तो आपको फैमिली सपोर्ट किस तरह कराता था कि इस लाइन में? फैमिली सपोर्ट उस समय नहीं था, क्योंकि ये जो चीज़ें हम लोग करते थे वीडियो या फिर कैमरा लेकर, तो लोगों को लगता था कि बस ये एंटरटेनमेंट टाइप का चीज़ें कर रहा है, इसमें कोई करियर वगैरह नहीं है। हम लोग कहते थे कि नहीं, काफ़ी लोग जो है फॉरेन के लोग, इस समय हम अपने पेरेंट्स से कहते थे कि फॉरेन के लोग काफ़ी उस समय पैसे कमाते हैं, बट लोग बोलते अरे मजाक कर रहा है ये, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, बड़े हो गए, शादी हो गया, अब कुछ रिस्पॉन्सिबल काम करो, जॉब करो। बट फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, नहीं मिला। और जब पेमेंट वगैरह आने लगा, बढ़ने लगा पेमेंट, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे आने लगा, तो फिर फैमिली को बताया तो लगा कि हाँ, तब थोड़ा सा ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई, चलो पैसे कमा रहे, कुछ कर रहे हो, तो लगे ठीक है, करो जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, पैसे आने चाहिए। सो अभी आपका फैमिली में, मतलब अभी जो, अभी कभी आपके पास ऐसा भी टाइम आया होगा जब आप डिमोटिव हो गए होंगे, जैसे कि काम करते करते अचानक से काम स्टार्टिंग में किए? हाँ, स्टार्टिंग में होता है, जैसे मेरे साथ भी हो रहा है कि कभी कभी बीच में मन किया कि छोड़ दें यूट्यूब को, क्या ऐसा भी आपके पास सिचुएशन आया कि आपको यूट्यूब छोड़ने का मन किया? सुमित, जब हम शुरुआत किए थे उस समय से 4-5 साल तक तो ऐसा कोई मन में नहीं आया था कि हम छोड़ दें इस चीज़ को, क्योंकि लगातार कंटिन्यूस ग्रो होते जा रहा था चैनल, और उसमें कोई स्ट्रगल भी ज़्यादा नहीं था, चैनल्स कम थे। लेकिन जब 2016 के बाद से जब चैनल्स बहुत सारे हो गए, कंपटीटर्स आ गए, और उस बीच में मैं कंपीट नहीं कर पा रहा था, मैं पीछे धीरे धीरे होते गया, मेरे कैटेगरी के बहुत सारे यूट्यूबर्स आगे निकलते गए, हमसे आगे निकलते गए, काफ़ी लोग निकल गए जो कि मतलब 1-2 साल में ही बहुत अच्छा ग्रो किया, हम जबकि 8-10 साल से लगे हुए, फिर भी अभी तक से 1 मिलियन पहुँचे। तो कई बार लगता है कि नहीं, जो मेरा ग्रोथ है वो बहुत कम है इस हिसाब से, जो आज के लोग आके मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा लगता था कि हाँ, अब छोड़ देना चाहिए, लगता है ये हमारी बस की बात नहीं है, लोगों को मैं वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ जो आज के यूथ दे रहे हैं। तो उसमें से डिमोटिवेशन होता है, जब मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है तो मैं छोड़ देता हूँ 2-3 महीने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है ना कि एक प्यार सा बन जाता है आपके ऑडियंस के साथ, तो मतलब मन नहीं करता है छोड़ने का। फिर मिस करने लगता है कि नहीं, कुछ समथिंग इज मिसिंग, तो चलिए ऑडियंस के लिए फिर बना देते हैं, तो फिर प्यार उनका मिलता है कि नहीं नहीं वो लोग मिस कर रहे थे, तो फिर आपको कंटिन्यू होना पड़ता है, ये चीज़ें हैं सुमित। तो आप जैसे हम लोग का, आपका वीडियो देखते हैं, टेक्निकल योगी जी का वीडियो देखते हैं, मतलब कभी ना कभी हम लोग भी यूट्यूब काम करते हैं, तो यूट्यूब में किसी का इंस्पायर होने के लिए कभी फ्री टाइम में देखते हैं, तो आप किनका वीडियो इस टाइम जब आप फ्री रहते हैं तो किनका वीडियो आप देखते हैं ज़्यादा?
अरे मैं सबका ही देखता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मनोज डे, योगी और शर्मा जी टेक्निकल, बहुत सारे लोग जो भी जो मतलब आपके आपके रिलेटेड जो चैनल उन्हीं का वीडियो ज्यादा वाच करते हैं जनरली, अपने रिलेटेड चैनल जिससे कुछ हम सीखने को मिले वो चीजें। तो इस लाइन में अभी जैसे बहुत सारे यूट्यूब नए नए जैसे बहुत स्टार्टिंग में आके अभी लोगों को देख के आ रहे हैं कि आपसे इंस्पायर होकर अभी करने मतलब अभी आप वीडियो शूट करें, आपसे इंस्पायर होकर कोई वीडियो मतलब देख के वो चाहेंगे यूट्यूब पर आना है, तो अभी उनको किस तरह से काम करना चाहिए यूट्यूब पर? सबसे पहले तो जो लोग नए लोग आना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा कि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट हमेशा से YouTube नए लोगों को ही वैल्यू देता है क्योंकि वो एनर्जेटिक होते हैं, उनमें कुछ नया करने का जोश होता है और पब्लिक भी वही चाहती है पाना, वो दे सकते हैं। तो जब आप वो काम करते हैं, सबसे पहले तो एक रिस्की करियर है थोड़ा सा ये कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना जो आप जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे जितना भी पैसा आता है उसको छोड़ के आप बताइए इस पर कि हम यूट्यूब शुरू करेंगे और यूट्यूब से ही पैसा कमाएंगे। ऐसा करेंगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ गलती हो जाता है। YouTube के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप सही फॉलो करते हैं फिर भी कभी चैनल आपका बंद हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो वैसे कैसे बड़ा दुख होता है, जो आपका एग्जिस्टिंग इनकम था वो भी बंद हो जाएगा, स्टूडेंट है तो आपका पढ़ाई लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ें एक शौक की तरह शुरू कीजिए, मैंने हफ्ते में पार्ट टाइम के एकदम पार्ट टाइम बिल्कुल पार्ट टाइम लाइटली मजे में लेके करते रहिए, आपका मेन काम करते रहिए और जब ये अच्छा खासा ग्रो हो जाए आपका चल जाए बढ़िया से तब इस पर आप फोकस कीजिए और ज़्यादा फुल टाइम। हाँ बिल्कुल, ये हम कहना चाहेंगे सभी नए लोगों से। सो काफ़ी अच्छा लगा, इतना सारे जानकारी हो गए। तो आप इस बीच में आपका और फैमिली मतलब जो क्या आपके फैमिली में अभी कौन कौन है? सुमित फैमिली में मेरा शादी हो गया, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, मम्मी पापा दादा दादी सभी कोई है ना। तो आपका फैमिली में जो है कि आपका वाइफ का किस तरह सपोर्ट रहता है, जो आपकी फैमिली जैसे होता है बहुत सारे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत सारे पसंद नहीं होता, फैमिली जो होता है अपना खास फैमिली जो आपका पर्सनल लाइफ पार्टनर, तो उनका किस तरह रहता है आपका प्रति ये जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर? हाँ वाइफ का जो है रिएक्शन रहता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता है, वो भी चाहती हैं कि नहीं, उनको लगता है कि ये बच्चों वाला चीज़ अब कर रहे हैं, कुछ मैच्योर चीज़ करना चाहिए, एक बड़े लोग जो करते हैं वो उस टाइप से जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल चीज़ें कर रहे हैं, कुछ सीरियस चीज़ें कीजिए। तो उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, ये अच्छा लगता है कि कुछ लोग पसंद करते हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो लोग जो सिखा रहे हैं उसकी वजह से रेस्पेक्ट करते हैं हम लोगों को, तो अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ पैसे भी मिलते हैं वो भी बताते हैं, तो बोलते हैं हाँ चलिए ये सब ठीक है, बट ओवरऑल खुश तो ज़्यादा नहीं रहते हैं, बट ठीक है चल रहा है, चल रहा है। हाँ तो अभी आप YouTube से आपने क्या क्या अभी तक हासिल किया है सर YouTube के बदौलत? जो कुछ है मेरे पास YouTube का ही दिया हुआ है सब कुछ, 12 साल से पूरा फैमिली जो है YouTube से ही चल रहा है, और बीच में स्ट्राइक लग गया था और बीच में मोनेटाइजेशन भी मेरा 6 महीने के लिए बंद हुआ था। हाँ। उस समय बहुत क्रूशियल अप डाउन बहुत से थे, अच्छे बुरे, शुरुआत हुआ था तो कम पैसे से लेके ज़्यादा पैसा होने लगा, होने लगा, पैसे मिलने लगे, लाखों रुपए आए महीने के, लेकिन फिर बाद में बुरे दिन भी आया, कंपटीशन बढ़ा, तो फिर धीरे धीरे घटते घटते गए घटते गए, तो और एक स्टेज में अभी जहाँ पे है हम वैसे ऐसी स्थिति में है कि अब मुझे सोचना पड़ता है कि मैं छोड़ दूँ या कोई दूसरा काम करूँ, बट वही ऑडियंस का प्यार कंटिन्यू करने पे मुझे मजबूर किया हुआ है, इसलिए मैं अभी भी काम करता हूँ यूट्यूब पे। सो अभी जैसे आपका काम अभी पूरा फोकस मतलब यूट्यूब पर रहता है चैनल पर, या कि आप पार्ट टाइम कुछ एक्स्ट्रा मतलब जॉब करते हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरा काम फोकस नहीं रहता यूट्यूब पे, क्योंकि अब मुझे लगता है ऐसा कि अब ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से निकल रहा है, तो बहुत सारी और भी चीज़ें हम दुकान भी है मेरा अपना स्टार्ट किए हैं हार्डवेयर का, अच्छा, और जो घर के पास है मेरे, और उसमें भी हम लगे हुए हैं, उसमें उसको ग्रो करने में थोड़ा सा कि अगर इधर से हमारा इनकम नहीं हो, क्योंकि इनकम तो चाहिए आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे दिक्कत हो सकती है, इसलिए अल्टरनेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, वही बिजनेस है और कुछ नहीं। सो इतना सारे बातें होंगे सर, आपका क्वालिफिकेशन जो कि क्या है, क्योंकि हर क्षेत्र में अभी जो कि क्वालिफिकेशन का रहना बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है, तो आपका क्या है? बीटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, हमने कर्नाटका से इंजीनियरिंग किया था, वहाँ पे पिताजी ने डोनेशन देकर मुझे नाम लिखाया था वहाँ, और बड़ा शौक था उनको इंजीनियर बनाए और बेटा इंजीनियरिंग की नौकरी करे, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं, कुछ किस्मत में कुछ और ही लिखा था तो यूट्यूबर बन गए। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से, मतलब अगर काश अगर मैं इंजीनियर भी बनता, कितना ही बढ़िया इंजीनियर बनता, तो मैंने जितना रेस्पेक्ट अचीव किया या फिर या फिर जितना पैसे कमाए, शायद उस जॉब में इंजीनियरिंग के जॉब में मैं नहीं कर पाता। पैसा तो है काफ़ी, डेफिनेटली है, रेस्पेक्ट भी अगर अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं तो एनी हाउ मुझे कोई वरी नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, गर्व होता है, ऐसा बात नहीं है बिल्कुल।
सो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को देखे, कितना मतलब कितना अच्छा है, हमें मतलब इनका हर सवाल का मेरा हर सवाल का जवाब सर ने दिए, काफ़ी अच्छा लगा। और फ्रेंड्स मैं भी एक बता जा रहा हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं एक ड्राइवर जॉब करता था, तो मुझे ड्राइवर जॉब से मात्र मतलब जो भी था 10-12 हज़ार मंथली पर ही मैं सीमित रह जाता, बट मैं अभी जो भी कर रहा हूँ यूट्यूब पर, मेरे जितने भी चाहने वाला सब्सक्राइबर जो मेरे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को प्यार और आशीर्वाद से मतलब यहाँ तक हम सर के सामने आज देखिए इंटरव्यू इनका मैंने लिया और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल के। सो फ्रेंड्स बस एक आप जो आप पर्सनली एक जॉब करते हैं तो उसमें आपका कोई नाम नहीं हो पाता, बट आप सोशल मीडिया पर अगर काम करते हैं आकर तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा नाम होता है और कमाई तो होगा ही, जिससे आपका नाम फेम बढ़ेगा। बिल्कुल। सो काफ़ी अच्छा लगा सर से, और कुछ बोलना चाहेंगे सर? और बस यही कहेंगे कि सुमित अच्छा काम कर रहे हैं, एक ड्राइवर हैं थे पहले और अभी भी हैं, बट साथ ही कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, और जहाँ तक इनका कम्युनिकेशन स्किल है, जो चीज़ें हैं वो यूट्यूब पर आने के लिए वो भगवान ने दिया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू मेरा छोटा सा लिया, बट इसमें मैंने इसे इनको जज किया थोड़ा सा कि कम्युनिकेशन स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम्युनिकेशन इनका बहुत बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू जो जॉब इन्होंने लास्ट पास्ट में किया है। इंस्पाइट ऑफ कि जो भी ये चीज़ें कर रहे थे, कुछ लाइफ में अच्छा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम आशा करेंगे कि भगवान इनको सफलता दे और आप सबका भी सपोर्ट हो। मेरी तरफ जो फॉलोअर्स अगर देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए सुमित को, ताकि कुछ अच्छा कर पाएँ फ्यूचर में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने इतना प्यारे प्यारे जो बातें जो हमारे ऑडियंस को बताएं और आपके भी जो चाहने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स ये छोटा मोटा इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर बताना है, और इनको कौन कौन जानते हैं, जानते हैं जैसे सभी को है, पुराना जो कि टेक रिलेटेड चैलेंज इनका है धर्मेंद्र सर का, तो सबको जानते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताएगा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना सर? लाइक कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। और चलिए तो आज के लिए बस इतना था, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद है, पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो बाय।